अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप मेरे यूट्यूब चैनल अली शाह टॉक्स पे देख रहे हैं प्रोग्राम माई इंग्लिश माई टेंसेस। नाज़रीन, पहली दो वीडियोस में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ प्रेजेंट टेंस के उर्दू की चार तब्दीलियां और फिर उन उर्दू की चार तब्दीलियों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का आसान तरीन तरीका सिखाया। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के चार फिक्रों की तब्दीलियां उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आने वाले तमाम नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी दो वीडियोस नहीं देखी, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, तो आप YouTube पे जाएं, वहां पे लिखें इजी वे टू लर्न टेंसेस लेसन नंबर 1 और इसी तरह इजी वे टू लर्न टेंसेस लेसन नंबर 2। आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा इस वीडियो को समझना। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली दो वीडियोस का जो लेसन है, जिस रजिस्टर पे आपने लिखा है, वो रजिस्टर या पेपर है और पेंसिल अपने साथ रखें और मेरी आज की वीडियोस को गौर से देखें और गौर से सुने और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं। आइए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट टेंस की उर्दू की चार तब्दीलियाँ और फिर उनको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश में। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की चार उर्दू की तब्दीलियां आपको अच्छी तरह से याद होंगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं। हमने लिखा था मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं लिखता रहा हूं। आखिर पे हमने हूं लिखा और उससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब इन चार तब्दीलियों को हम बड़े ही खूबसूरत और आसान अंदाज में माजी में लेके जा रहे हैं। आपका वो रजिस्टर या पेपर जिस पे आपने ये चार तब्दीलियाँ लिखी हैं, उस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं लिखता हूँ आखिर पे हूँ, लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ और लिखता रहा हूँ। इन सब के आखिर पे हमने लिखा है हूँ, तो इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। नाज़रीन, विद नो टाइम वी आर गोइंग टू चेंज। बहुत ही खूबसूरत तरीका और आसान तरीका, और आप पलक झपकते में प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं लिखता हूँ। अब आप अगला फिक्रा लिखेंगे मैं लिखता था। क्यों जनाब, एक तब्दीली हमने की और हम प्रेजेंट में से पास्ट में चले गए। इसी तरह चारों फिक्रों के आखिर पे जो हूँ है उसकी जगह आप लिख दें था। आप एक मिनट के अंदर प्रेजेंट से पास्ट भी चले गए। ज़रा गौर कीजिए और मेरे साथ लिखें मैं लिखता था। अच्छा जनाब, अब हम इस मैं लिखता था को फौरन ही कन्वर्ट कर लेते हैं अंग्रेजी में। मैं लिखता हूं में आपने वो जो ऊपर चार फॉर्म्स हमने दी थी ना, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, लिखता हूं में हमने लिखी थी फर्स्ट फॉर्म। और नाज़रीन, अब है लिखता था, मैं लिखता था, इसमें लगेगी ऊपर वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से सेकंड फॉर्म। है ना आसान, एक ही तब्दीली हमने की और माजी में चले गए। उर्दू में हूं की जगह था लिखा और अब लिखता हूं वो था आई राइट, और अब हमने क्या किया कि मैं लिखता था उसमें हमने लिखा आई रोट, सेकेंड फॉर्म। और आप जल्दी से रोट के ऊपर लिख लें नंबर 2। नाज़रीन, अब चलते हैं पास्ट टेंस की दूसरी तब्दीली की जानिब। प्रेजेंट टेंस में दूसरी तब्दीली है मैं लिख रहा हूं और माजी में बन जाएगी। जरा आप बताइए, खुद ही लिखें मैं लिख रहा था। हूं को काट के फौरन था लिखें और आप माजी में चले जाएंगे। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने प्रेजेंट में लिखा था कि मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, अब हमने जो सर्कल किया था ना एम, उस पर जरा गौर कीजिए, उस एम की जगह सिर्फ आपने वॉज लिख देना है और आप लिखेंगे आई वॉज राइटिंग। और नाज़रीन, मैंने एक बात कही थी ना कि 3 4 3 का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, और अब वो मौका आ गया कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने सिर्फ एक तब्दीली की उर्दू में और एक तब्दीली की इंग्लिश में। एम की जगह वॉज लिखा, लेकिन राइटिंग, वो फोर्थ वाली राइटिंग, वजह क्या है
क्योंकि मैं लिख रहा था, फिक्रा ख़त्म हो रहा है रहा पे, तो रहा में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी। तो आपने जल्दी से लिखना है आई वॉज राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ एम को जो सर्कल किया हुआ था उसकी जगह वॉज लिखा और उसको फौरन सर्कल कर लिया और फॉर्म हमारी सेम वही रही जो रहा रही रहे में आती है। अब चलते हैं तीसरी तब्दीली की जानिब। नाज़रीन, तीसरी तब्दीली प्रेजेंट टेंस में थी कि मैं लिख चुका हूँ, उसमें हमने लिखा था आई हैव रिटन, और अब माजी में ये बन जाएगा। ज़रा लिखिए, खुद ही लिखिए। हाँ, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था, प्रेजेंट में था, मैं लिख चुका हूँ, लेकिन जैसे ही हम पास्ट में गए हमने हूँ को काट के था लगा दिया, तो ये बन गया मैं लिख चुका था। नाज़रीन ज़रा सोचिए कि जैसे हमने एम की जगह वॉज लिखा और फॉर्म वही रही फोर्थ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिलसिला होने जा रहा है। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, अब इसमें हैव को सर्कल किया था हमने, लेकिन माजी में क्या होगा, इस हैव की जगह हम क्या लिख देंगे, हैड, तो ये बन जाएगा आई हैड रिटन। नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए, ये फॉर्म कौन सी लग रही है यहाँ पे, थर्ड, और मैंने कहा था कि चार तीन चार, प्रेजेंट में भी पहले चौथी फॉर्म लगी रहा में, पास्ट में भी चौथी फॉर्म लगी, अब प्रेजेंट में चुका चुकी चुके में भी तीसरी फॉर्म थी, और अब पास्ट में भी नाज़रीन तीसरी फॉर्म लगेगी। चौथी तब्दीली करने के बाद आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी मज़े की बात है, बड़ी आसान और इंटरेस्टिंग, और मैं ये दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ये वाला तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। चले नाज़रीन जल्दी से तब्दीली करें। चौथी तब्दीली है कि मैं लिखता रहा हूँ, ये है प्रेजेंट में, पास्ट में बनेगी मैं लिखता रहा, आपको खुद ही पता चल गया कि हूँ की जगह था, तो ये माजी में चले गए हम लोग। अब हमने इसी तरह मैं लिखता रहा था को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो अब आपके जहन में आना चाहिए ना कि रहा रही रहे में कौन सी फॉर्म आती है, और वो है फोर्थ। अब आपने जल्दी से फोर्थ फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने सर्कल किए हुए थे उनको हमने चेंज करते चले जाना है। हमने एम को वॉज में बदला, हैव को हैड में बदला, और ये भी बड़ा आसान तरीका है। आप ज़रा खुद ही सोचिए कि ये जो हैव बिन है ये किस में बदलेगा। हाँ, हैड बिन में जनाब। तो आप सब जल्दी से लिख लीजिए आई हैड बिन राइटिंग। नाज़रीन कितना आसान तरीका। प्रेजेंट के उर्दू के फ़िक्रों में पहला फ़िक्रा था मैं लिखता हूँ, माजी में गया तो वो लिखता था बन गया, लेकिन इंग्लिश में मैं लिखता हूँ कि इंग्लिश थी आई राइट, और लिखता था कि क्या बनी आई रोट। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। बिल्कुल उसी तरह आज भी आप लोगों ने वॉज, हैड और हैड बिन को सर्कल कर लेना है, और वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म है उस पर नंबर फोर, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है उस पर नंबर थ्री, और हैड बिन के बाद है फोर्थ फॉर्म उस पर लिख लें नंबर फोर। नाज़रीन कितनी आसान तब्दीली है। आज हमने सीखा कि उर्दू के प्रेजेंट टेंस के चार फ़िक्रों को हमने माजी में कैसे तब्दील किया। नाज़रीन सिर्फ एक तब्दीली से, हूँ की जगह था, और इंग्लिश में भी चंद एक तब्दीलियाँ हुई। नाज़रीन अब आप पे फ़र्ज़ है कि प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस की तरह आप लोगों ने अब प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस को मिलाकर प्रैक्टिस करनी है। एक बात पे गौर कर लीजिएगा, मैं गारंटी देने जा रहा हूँ। मैंने पहली दो वीडियोस में भी बोला कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ मिलके काम करते रहेंगे, दिल से काम करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपको इंग्लिश ना आए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आसान ना हो। बिल्कुल आसान हो जाएगा। नाज़रीन मेरा ये समझाने का तरीका यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर मेरी बात पसंद आई हो, वैसे मुझे यकीन है थोड़ा थोड़ा कि पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाकर
साथ में तीन ऑप्शंस आएंगे और सबसे ऊपर होगा ऑल, उस ऑल को भी आपने क्लिक कर देना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सकें। एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अलीशा टॉक से डॉक्टर अलीशा को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।